गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग चलिए मुझे कॉमेंट दिखाइए बेटा बैठ के कॉमेंट दिखाइए आप सामने चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गुड इवनिंग एवरी वन जल्दी से लाइव आ जाए फटाफट फटाफट जो बच्चा लाइव नहीं आया अभी तक तुरंत लाइव आए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक घंटा है दस मिनट वैसे भी अंकुर अंकुर सर खा चुके हैं हमारी क्योंकि सर ने दस मिनट लेट क्लास छोड़ी और जब तक सर नहीं छोड़ते तब तक मैं पढ़ाती तो कोई मतलब नहीं बनता था इसलिए दस मिनट अपन पहले लेट है तो जल्दी से लाइव आ जाएँ जो बच्चे अभी तक लाइव नहीं आए हैं फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं चलिए <coughs> सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो बैच है आपका वो है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए जहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो साइंस वाला पार्ट हो चाहे आपका करंट अफेयर वाला पार्ट हो चाहे आपका जीएस वाला पार्ट हो है ना गुड इवनिंग गुड इवनिंग धीरज मनीष माहौलिया मैम आपने कार ले ली मिठाई नहीं खिलाई कौन सी कार ले ली कारवार कुछ नहीं है? हम स्कूटी से घूमते हैं कारवार होती तो फिर यहां थोड़ी रहते हम इस टाइम तो पता नहीं कहाँ मिलते तुम्हें ना नरेश मेहता कह रहे हैं गुड इवनिंग ओके गुड इवनिंग सबको चलिए सब लोगों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग अब हम बिना कुछ टाइम ख़राब किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि वैसे भी आज मुझे दस बजे कहीं निकलना है इसलिए मुझे जल्दी से क्लास स्टार्ट करनी है चलिए निकलने का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं जा रही हूँ मतलब थोड़ा सा काम है इसलिए जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं आज की क्लास तो बेटा आज की क्लास में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं जैसा कि अरे इसको पीडीएफ डी को कैसे सेट कर दिया हाँ ऐसे ही ना ठीक है चलिए तो आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी आपको करवा दी है इसलिए मैंने सोचा कि कुछ मैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की के प्रैक्टिस करवा दूँ तो कल भी हमने केमिस्ट्री किया था परसों भी हमने केमिस्ट्री क्लास किया था मैम आपका नोटिफिकेशन दस बजे अरे वो टेलीग्राम पर मेरे से गलती से नौ बजे की जगह दस बजे लिखा गया तो इतना तुम भावुक क्यों हो रहे हो चलिए छोड़िए

तुम लोग तो पे ध्यान दो यार तुम लोग ना सारी जब मैं, जैसे ही मैं आती हूँ मैंने एक चीज देखी है बढ़िया अंकुर सर से पढ़ रहे थे बढ़िया मैडम से पढ़ रहे थे बढ़िया डीपी सर से पढ़ रहे थे लेकिन जैसे ही मैं आती हूँ तुम लोग अपनी शिकायतों का बॉक्स मेरे ऊपर डाल देते हो सारा है ना चलिए कोई बात नहीं लेकिन देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि द द आइसोटोप फॉर प्रोडक्शन ऑफ अटोम एनर्जी मतलब एनर्जी जो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप काम में आता है आपके पास चार ऑप्शन है पहला ऑप्शन है यूरेनियम टू थर्टी फाइव यूरेनियम टू थर्टी एट यूरेनियम टू थर्टी सिक्स यूरेनियम टू थर्टी फोर देखो यूरेनियम के चारों ही आइसोटोप से आइसोटोप को आप काम में ले सकते हो रेडियो आ, यूरेनियम के चारों के चारों और इस आइसोटोप को आप एटॉमिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काम में ले सकते हो लेकिन जो सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है वो कौन सा है यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 यूरेनियम का एक आइसोटोप है आइसोटोप शायद आपको पता होगा आइसोटॉप क्या होते हैं ऐसे एलिमेंट्स जिनके अटोमिक नंबर सेम हो लेकिन अटोमिक मास डिफरेंट हो उनको आप आइसोटोप उनका आप समस्थानिक बोलते हो जैसे हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं दुट्रिय। दुट्रिय। में ऐसे पढ़ा होगा आपने तो यूरेनियम दो को हम सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर में किसके लिए एटॉमिक एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए काम में लेते हैं होता क्या है जब इस यूरेनियम 235 को हम न्यूक्लियर फ्यूजन में यहाँ पर इसको काम में लेते हैं तो यह यूरेनियम 235 टूट जाता है किसके अंदर बेरियम छप्पन बेरियम छप्पन और साथ में क्रिप्टोन क्रिप्टोन एक नोबल गैस है 36 और साथ में तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ में यहाँ पर क्या एमिट होती है एनर्जी एमिट होती है और इसी एनर्जी को हम काम में लेते हैं तो एटॉमिक एनर्जी के लिए सबसे ज्यादा आइसोटोप काम में आने वाला आइसोटोप कौन सा होता है यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है कि इन बाकी सबको काम में नहीं ले सकते ले सकते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम किसको यूरेनियम 235 की जब यूरेनियम 235 का हम आ, न्यूक्लियर फ्यूजन करवाते हैं तो वहाँ पर ये बेरियम 56 एंड क्रिप्टोन 36 में टूटकर तीन न्यूट्रॉन एमिट करता है और साथ में एनर्जी एमिट होती है उसी को हम काम में लेते हैं और इसी को हमने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फोलोविंग इज द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ मोनाजाइट सेंड मोनाजाइट किसका और है मोनाजाइट से कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलता है या मोनाजाइट से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनता है जल्दी बताइएगा हाँ जी जल्दी आंसर दो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर टू का आंसर <laughs> चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम बफरिंग क्यों हो रहा है हमारी साइड से कोई बफरिंग नहीं है आपकी वीडियो आपके इंटरनेट का इश्यू होगा इसलिए आपकी वीडियो बफर कर रही होगी ठीक है मैम मैम बायोलॉजी की क्लास कब होती है कल भी केमिस्ट्री लेकर लेकर आऊंगी आऊंगी नेक्स्ट वीक से देखिए विकास मैंने देख लिया हमारी साइड से कोई बफरिंग नहीं है जैसा कि मेरे को सामने इंटरनेट चलता हुआ दिख रहा है तो मेरी साइड से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपकी साइड से कोई दिक्कत होगी तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक कीजिए तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा मोनाजाइट रेत का मुख्य घटक है मैंने आपको जब मेटल नॉन मेटल करवाया था तो वहां मैं, मैंने बताया था कि मोनाजाइट और मोनाजाइट एस्क है और किसका है थोरियम का थोरियम का भारत में केरला केरला और जो उड़ीसा है उड़ीसा इन दोनों के जो न, जो वहां पर जो केरला और उड़ीसा में मोनाजाइट और पाया जाता है और यहां से थोरियम बनता है यहां से थोरियम और यही केरला और उड़ीसा के तटों पर यही केरला और उड़ीसा के जो बैंक हैं जो तट हैं उन तटों पर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का मेन रीजन होता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का मेन रीजन होता है देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा यहां पर क्वेश्चन आता है कि जो केरला में और उड़ीसा के तटों पर जो रेडियोधर्मी पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से वहां के लोगों को स्किन कैंसर या उनकी स्किन डैमेज हो रही है कई तरीके की बीमारियां मिल रही हैं तो उसका मेन कारण क्या है आप बताओगे थोरियम क्योंकि वहां के जो तट हैं वहां पर मोनाजाइट और से थोरियम बनाया जाता है थोरियम निकाला जाता है तो आप यहां पर बताएंगे आप विकास कह रहे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो क्या प्रॉब्लम है आपकी विकास बोलिए जरा तो अगर कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलता है आप बताएंगे इंडिया में सबसे ज्यादा भर भर के अपार मात्रा में भरपूर मात्रा में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व मिल, मिलता है तो थोरियम और थोरियम का और थोरियम का एस्क कौन सा है यह सब क्वेश्चन नोट कर लेना ठीक है थोरियम का एस्क मोनाजाइट कहां मिलता है इंडिया में केरला और उड़ीसा के इसीलिए केरला और उड़ीसा के तटों पर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है और किसके कारण होता है है आप बताएंगे टीएच थोरियम के कारण होता है वहाँ के लोगों को थोड़ी बीमारियों का मतलब कुछ ऐसा होता है ना, ना क्या कहते हैं उनकी स्किन कैंसर या ऐसे कुछ बीमारियों का बीमारियां बहुत हो जाती हैं ठीक है चलो तो ये हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व मिलता है थोरियम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सोलर एनर्जी कन्वर्जन इनमें से किसे सौर ऊर्जा परिवर्तन में प्रयोग में लेते हैं आपको पता है यहाँ पर किसका आंसर क्या होने वाला है आपके पास चार ऑप्शन है पहला है बेरिलियम दूसरा है ता, आ, टेंटिलियम तीसरा है सिलिकॉन चौथा है कार्बन इन चारों में से सोलर एनर्जी कन्वर्जन के लिए हम किसको काम लेते हैं तो हम सिलिकॉन को काम लेते हैं एस आई सिलिकॉन और सिलिकॉन क्या होता है सिलिकॉन एक है जो सेमी कंडक्टर बनाने में काम आता है जो अर्ध चालक बनाने में काम आता है इसके अलावा सिलिकॉन कहाँ काम आता है माइक्रोचिप बनाने में या सोलर पैनल पैनल बनाने में तो आप याद रखिएगा या सोलर सेल बनाने में या सोलर पैनल बनाने में सोलर एनर्जी कन्वर्जन में काम आता है कौन सिलिकॉन सिलिकॉन क्या है तो एक अर्धचालक है या एक मेटलोइड है एक उपधातु है और यह अर्थ क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला मेटलोइड भी होता है भू परपटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला यह उपधातु भी है तो यहां पर आपका आंसर क्या होने वाला है Si सिलिकॉन सिलिकॉन

रात को अगर आप देखेंगे तो दिन में तो नहीं है दिन में तो वो सफेद कलर की दिखेंगी लेकिन जब आप रात को देखेंगे तो आप रात में देखेंगे तो उन लाइट से ये पीले पीले लाइट एमिट होती रहती है जो स्ट्रीट लाइट हैं जो गलियों में लगी हुई लाइट हैं दिल्ली में भर भर के लगी हुई हैं है ना बस दिल्ली में एक ही काम लगा हुआ है हर जगह कैमरा लगा दिया और उससे आप चालान काटो और कैमरे में चालान में गाड़ी का नंबर ढंग से आए तो इसके लिए वहां पर लाइट लगा दी है ना तो आजकल मेरे भी बहुत चालान कट रहे हैं यहाँ पर अंकुर सर ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं तो आपको भी बताना है कि जो स्ट्रीट लाइट के ऊपर जो लैंप लगा हुआ होता है वो जो लाइट लगी हुई तो जो दिन में तो आपको सफेद दिखेगी लेकिन रात को वो थोड़ी सी से, से पीली पीली दिखेगी तो उसके अंदर कौन सी गैस काम में लेते हैं बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पर नियोन आंसर देंगे बेटा नियोन ना स्ट्रीट लाइट के लैंप में काम नहीं आती है लैंप में काम आता है सोडियम वेपर

कम कर देता है और लाइट फैलेगी नहीं और जब फैलेगी नहीं तो एक ही लाइट से बहुत दूर तक रोशनी हो जाएगी इसलिए गवर्नमेंट का खर्चा भी थोड़ा कम हो जाएगा तो वो सोडियम व्यापार का काम में ले रहे हैं तो याद रखिएगा चौथे क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो स्ट्रीट लाइट लग रही है जो पीले रंग की रात को दिखती है उसके अंदर सोडियम व्यापर होता है जिससे पीली रंग की लाइट एमिट होती है और वो पीला रंग ये क्या करता है आपका प्रकाश की जो प्रकीर्णन है उसको कम कर देता है स्कैटरिंग को कम कर देता है जिससे कि वो फैलती नहीं है इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंडिचर वगैरह कम आ जाता है लेकिन जब हम बात करते हैं

आर्गन के साथ चलिए <coughs> तो क्वेश्चन नंबर फोर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिल्वर आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज दे आर फोटोग्राफिक आजकल तो वो फोटोग्राफी कौन करवाता है आजकल तो सेल्फी का जमाना है मोबाइल ऐसे आंखों के आगे करो सेल्फी क्लिक हो जाती है लेकिन पुराने पुराने के जमाने में, पुराने जमाने में में वो जमाना जब एक पासपोर्ट साइज़ फोटो या किसी को प्रपोजल फोटो या शादी के लिए फोटो बनाते थे आजकल यही सब काम हो आप आज सिर्फ पासपोर्ट साइज के लिए वहां जाते हैं हम स्टूडियो है ना बाकी तो हमारे फोन में इतना सुंदर सुंदर कैमरे हैं इतने मेगा पिक्सल के तो जरूरत ही नहीं पड़ती तो सिल्वर यूज होते हैं सिल्वर का मतलब समझते हो सबसे पहले मुझे बताओ हेलाइट लाइड क्या होता है किसी को पता है लाइड क्या होता है चलिए अगर किसी को नहीं पता है, तो ध्यान से सुनो हमारी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर सेवनटीन है ना

सल्फर के साथ तो वो हेलाइड बनाता है क्या बनाता है हेलाइड बनाता है याद रखेंगे ये बात तो ये जो एलिमेंट है ये क्या है आपके ये है हालोजन एलिमेंट तो आपसे पूछा है सिल्वर हेलाइड सिल्वर के साथ ब्रोमीन AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड ये काम में आता है कहां पर फोटोग्राफी प्लेट में क्यों काम में आता है देखो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था सिल्वर हेलाइट अगर सीधा दिया होता है एस बी आर तो आप सही कर देते लेकिन आपसे पूछा सिल्वर हेलाइट आर यूज इन फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज ऑफ क्यों इनका यूज क्या है तो सिल्वर हेलाइड का मतलब है एजीबीआर और हेलाइड क्या होते हैं तो जितने भी हेलोजन एलिमेंट होते हैं वो सल्फर के साथ क्रिया करके हेलाइड बनाते हैं ठीक है जैसे ब्रोमाइड आयोडाइड एस्टेटाइड क्लोराइड फ्लोराइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा हाँ इसको याद करने की ट्रिक है फिर कल बाहर आई आंटी अगर आपने याद किया तो स्कूल में अब बच्चा बात यह है कि एजी को क्यों काम में लिया जाता है फोटोग्राफिक प्लेट में क्यों क्योंकि ये हाइपो सॉल्यूशन में क्या होता है सोल्यूबल होता है इट इज सोल्यूबल इन हाइपो सॉल्यूशन आपको पता होगा हाइपोटर्म क्या होता है हाइपो का मतलब क्या होता है देखो इससे जब हम बात करते हैं ना फोटोग्राफी से जब पांच छह क्वेश्चन बनते हैं एक तो हाइपो के बारे में हाइपो क्या है तो सोडियम थायोसल्फेट सोडियम थायोसल्फेट को बोलते हैं हम हाइपो सोल्यूशन सोडियम थायो टी एच आई ओ थायोसल्फेट इसको कहा जाता है हाइपो तो सबसे पहले तो एग्जाम में हाइपो का केमिकल नहीं मैं केमिकल फॉर्मूला आ सकता है तो सोडियम थायोसल्फेट उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई इस हाइपो सोल्यूशन को कहाँ काम में लेते हैं फोटोग्राफी आ, फोटोग्राफी में काम में लेते हैं और इसके अलावा कौन सी मेटल का कौन सी मेटल को काम में लेते हैं कौन सी मेटल का हेलाइड सिल्वर का और यह हाइपोसोल्यूशन किसकी तरह काम करता है एज ए फिक्सर फिक्सर की तरह काम करता है ठीक है फिक्सर की तरह काम करता है तो हाइपोसोल्यूशन के अंदर कौन सोल्यूबल होता है सिल्वर हेलाइड एजीबीआर इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट में हम सिल्वर का ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमाइड काम में लेते हैं क्योंकि ये हाइपो सोल्यूशन हाइपो बोले तो सोडियम थायो सल्फेट के अंदर ये फिक आ, सोडियम थायो सल्फेट के अंदर सोल्यूबल होता है और हाइपो फिक्सर होता है एक fixer. उसके बाद जो नेगेटिव बनती है देखोगे ना पहले नेगेटिव क्या बनता है काम में लेते, हैं, काम में लेते हैं ये सारे क्वेश्चन अरे तुम लोग ना भूल जाते हो मुझे पता तुम लोग नोट करो मेरे साथ कुछ चीजें <coughs> अरे यार नोट में कैसे निकलेगा चलो ये शायद कहीं और लगी हुई होगी देखो सुनो अगर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि सिल्वर का कौन सा हेलाइड फोटोग्राफी में काम आता है तो एजीबीआर फोटोग्राफी में काम आता है फोटोग्राफी में अब फोटोग्राफी में क्यों काम आता है क्योंकि ये सोल्यूबल होता है और किसके अंदर हाइपो के अंदर हाइपो क्या होता है सोडियम थायोसल्फेट होता है सोडियम होता है इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो नेगेटिव इमेज बनती है उस इमेज की धुलाई कौन से एसिड से की जाती है आप बताओगे ऑक्जिलिक एसिड जो टमाटर वमाटर में भी होता है ऑक्जिलिक एसिड में फोटोग्राफी जो नेगेटिव इमेज बनती है उसकी धुलाई की जाती है उसके बाद जो कैमरा है उस कैमरे की जो फ्लैश लाइट होती है कैमरे की कैमरा मतलब जिससे फोटो खींच रहे हैं उस कैमरे की फ्लैश लाइट के अंदर जो फिलामेंट होता है वो फिलामेंट किसका बना हुआ होता है ये सब क्वेश्चन आते हैं जो फिलामेंट है वो मैग्नीशियम का बना हुआ होता है और कैमरे की फ्लैश लाइट में गैस कौन सी होती है हाँ जी बताएगा कोई जल्दी आंसर करो कि कैमरे की फ्लैश लाइट में गैस कौन सी होती है तो गैस वहां भरी जाती है जिनोन जेनन या जिनोन जैसे भी आप प्रोनाउंस करो इसको जेनन आ, आ, क्या कहते हैं जेनोन और आजकल जेनोन पहले क्रिप्टोन भरते थे पहले क्रिप्टोन क्रिप्टोन भरते थे वैसे तो आप क्रिप्टोन ही आंसर करना जेनोन छोड़ दो आप क्रिप्टोन ही आंसर करना ठीक है चलिए तो कितने क्वेश्चन एस डी काम आएगा फोटोग्राफी में क्या काम आएगा तो इसके अंदर सोल्यूबल है और ये एक फिक्सर की तरह काम करता है का एग्जाम में आता है कि फिक्सर की तरह कौन सा केमिकल काम में आता है और धुलाई कौन से एसिड से ऑक्जिलिक एसिड से कैमरे की फ्लैश लाइट का फिलामेंट किसका मैग्नीशियम का और जो गैस होती है वो क्रिप्टोन ही करो आप तो क्रिप्टोन ही आंसर कर देना चलिए हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि सिल्वर को फोटोग्राफी प्लेट में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इट इज सोल्यूबल इन हाइपो सोल्यूशन हाँ, जिनोन भी काम में आता है देखो मैंने आपका सही हो सकता है, जिनोन भी, अगर जिनोन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑफ एनी जैम स्टोन कैरेट किस रत्न से संबंधित है carrot, carrot, बोलते हैं ना सोना चौबीस कैरेट बाईस कैरेट तो कैरेट मैम क्लास कब स्टार्ट हुआ बटन साढ़े नौ हो गया है मेरी क्लास नौ बजे स्टार्ट हुई थी थोड़ी सी मेरी क्लास लेट हो गई थी वो इसलिए क्योंकि मेरी क्लास से पहले अंकुर सर की क्लास चल रही थी इसलिए थोड़ी क्लास लेट हो गई है लेकिन ठीक है हां जी एक सेकेंड में थोड़ा सा अर्जेंट मैसेज कर दू जी चलिए आइए जरा आइए जरा, जरा आंसर क्या है कैरेट इज यूनिटी यूनिट किससे संबंधित है भाई सोने को क्या बोलते हैं मैंने आज 20 कैरेट सोने का बिस्किट लिया मैंने 24 कैरेट सोने का बिस्किट लिया मैंने 22 कैरेट सोने का बिस्किट लिया तो कैरेट का मतलब क्या होता है शुद्धता प्योरिटी मेजर करते हैं कैरेट में जैसे सोने की जैसे रत्न आभूषण होते हैं उन सब की जैम स्टोन की उनकी कैरेटी कैरेट गरत में, में मेजर करते हैं और एक कैरेट इज इक्वल टू वन कैरेट इज इक्वल टू टू हंड्रेड मिलीग्राम कितना 200 मिलीग्राम जैसे सोना होता है 24 कैरेट 22 कैरेट सबसे शुद्ध ये होता है 24 कैरेट क्योंकि इसके अंदर ऐसा कहा जाता है 99.99% .99 Au गोल्ड होता है Au इज अ सिंबल ऑफ गोल्ड ठीक है जबकि 22 कैरेट गोल्ड के अंदर ऐसा कहा जाता है अप्रोक्स 75% तो गोल्ड है लेकिन बाकी के 25% में कॉपर या एल्युमिनियम मिलाते हैं कॉपर या एलुमिनियम या किसी अदर मेटल को ऐड करते हैं चांदी वादी मिला देते हैं बहुत बार तो तो याद रखिएगा अगर कहीं पर आप कैरेट जैसे डायमंड का कैरेट देख रहे हो आप तो उसकी प्योरिटी देख रहे हो तो आप सोने की अगर आप कैरेट देख रहे हो तो उसकी प्योरिटी को मेजर कर रहे हो आप तो सबसे प्योर गोल्ड हम किसको मानते हैं चौबीस कैरेट को मानते हैं क्योंकि चौबीस कैरेट में नाइनटी गोल्ड होता है और प्योर गोल्ड की, की आ, ऐसा कहा जाता है एक कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है 200 मिलीग्राम अब ग्राम बता दो कितने ग्राम का ठीक है तो ये याद रखिएगा और 22 कैरेट गोल्ड में 75-76 परसेंट गोल्ड होता है बाकी अदर मेटल होती है ये सब आप याद कर लीजिएगा ओके तो याद रखिएगा कि कैरेट के लिए कैरेट किसके लिए प्योरिटी के लिए मेजर करते हैं हम शुद्धता के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव क्वेश्चन है एनडीए क्वेश्चन भी है बेटा, इसको करना, निम्न में से किसके ऑक्साइड की धर्मी होती है? सबसे पहले मीनिंग क्या है किसी भी मेटल का वो ऑक्साइड जो एसिडिक सॉल्यूशन में एसिड की तरह एसिडिक सॉल्यूशन में मतलब विलयन में अम्ल की तरह भांति व्यवहार करे और बेसिक सॉल्यूशन में बेस की तरह काम करे क्षारीय में आप उतना याद कर लो जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकृति रखता हो दोनों की नेचर रखता हो दोनों की प्रकृति रखता हो उस ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है मनोहर का बिल्कुल सही आंसर है मोहम्मद अकरम का आंसर सही है राकेश कुमार का आंसर भी सही है और रवि कुमार का भी आंसर सही है तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार बहुत मजा आ गया मतलब तुम लोगों को है। तुम तुम लोगों को पढ़ा करना इस बैच में सच में इतने अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मतलब तुम लोगों ने रट्टे लगा लगा के ना तुम लोग पहुंच गए अब चरम सीमा पे अब एग्जाम करवाना पड़ेगा आपके रेलवे को है ना चलिए बहुत विपुल आपका आंसर गलत है मैग्नीशियम ना आंसर गलत होगा नरेश का भी आंसर गलत है नीतीश का भी आंसर गलत है रानी तुमने तो बिल्कुल ही गलत आंसर दिया रानी तुम क्या कर रही हो बेटा

एलुमिनियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो भी एक एम्फोटेरिक सोडियम है. तो तो है हो ही नहीं सकता सल्फर हो ही नहीं सकता मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ना वाई वी आर यूज टेबल सोल्ट इन फूड बिकॉज आप खाने में सोडियम क्लोराइड क्यों काम में लेते हैं हाँ जी जल्दी आंसर करो कि आप खाने में सोडियम क्लोराइड क्यों काम में लेते हैं नमक क्या करता है नमक खाना चाहिए लेकिन नमक कम ही खाएं लेकिन पका हुआ खाएं और नमक कमी खाएं लेकिन अच्छा खाएं अच्छे का मतलब क्या है जिसमें आयोडीन हो लेकिन वो तो बायोलॉजी की बात थी यहाँ पर केमिस्ट्री में बात हो रही है हाँ जी जल्दी बताइए क्या आप नमक क्यों खाते हैं खाने में नमक क्यों खाते हैं अमिता बिल्कुल सही आंसर कह रहे हैं जेडनों के बारे में खाने में नमक क्यों खाते हैं जल्दी बताओ पहला है इट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन क्या नमक डाइजेशन में हेल्प करता है पक्का करता है क्यों करता है देखो आपके पेट के अंदर एक एसिड बनती है कौन से एसिड बनती है एच सी एल एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसी को बैलेंस करने के लिए पहली बात तो इसी को बैलेंस करने के लिए आप क्या खाते हैं नमक और जब आप बैलेंस्ड अमाउंट में नमक खाओगे तो आप जानते हैं कि एच सी एल क्या करेगा एच सी एल भी आपका एंजाइम्स वगैरह को एक्टिवेट करने का काम करेगा तो एच सी एल डाइजेशन में सहायक है तो इसको बैलेंस करने के लिए नमक है तो बिल्कुल तो सही है नेक्स्ट है इट मेक्स एपडोमिन एल्केलाइन नहीं ये तो नहीं है इट प्रोवाइड्स मिनरल टू बॉडी हाँ ये बात तो सही है सोडियम क्लोराइड मिनरल्स होगा बिल्कुल ये बात भी सही है ठीक है चौथा है नन ऑफ दिस वैसे आप आ, अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन है तो तो फिर आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे इट हेल्प्स इन द फूड डाइजेशन ये फूड को पाचन में भी सहायक होता है क्यों क्योंकि हमारे पेट में एक, एक एसिड बनती है कौन से एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसको बैलेंस्ड करने के लिए जैसे आपने अगर ये एसिड ज्यादा खा ली तो आपको जानते हैं अगर सॉरी एसिड ज्यादा नहीं अगर आपने ज्यादा खाना खा लिया अगर आपने ओवर ईटिंग कर ली या आपने जंक फूड ज्यादा खाया आपने स्पाइसी खाना ज्यादा खाया तो आपके स्टमक में एच बहुत ज्यादा बनने लग जाता है और जब एच ज्यादा बनता है एच एक एसिड

यह हमें मिनरल्स प्रोवाइड करता है यह भी ठीक है मिनरल्स भी होते हैं इसके अंदर और सोडियम क्लोराइड में आयोडीन है आयोडीन भी भी सही है तो ये भी है तो ठीक और यह भी ठीक है लेकिन अब नन ऑफ दीज है ऑल होता तो हम इसको भी सही मान सकते थे लेकिन अब यहां पर ए आंसर सही करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है नाइन एनाटोमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन ऑन विच मेटल ट्रांजिशन मेटल नहीं होती है इसके अंदर ऑन मेटल पूछा है परमाणु घड़ी जिस धातु पर आधारित है वह है, कौन सी है, है कि बनाने में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है अटोमिक वॉच बनाने में जल्दी आंसर करें मैं तर में पानी कराती हूँ परफेक्ट एंड मिनरल क्या बोल रहे हैं आप पानी देना बेटा ये बोतल दे दो परफेक्ट एंड मिनरल का मतलब क्या मैं समझी नहीं गंगापुर गंगापुर तो किसी जिले का नाम से लग रहा है हाँ जी एटॉमिक वोच में कौन सी मेटल काम में आती है सोडियम सीजियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम चारों में कौन सी होगी एटॉमिक <coughs> वोच में काम आता है सीजियम कौन सी मेटल Cesium, जिसका सिंबल क्या होता है सी एस सी एस और ये सीजियम कहाँ आता है पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक के ग्रुप नंबर वन में आता है याद करवाया था ना है ली ना की रब से फरियाद याद किया आपने हारिना की रब से फरियाद हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रोबीडियम सीजियम फ्रांसियम तो ये सीजियम यहाँ आता है और सीजियम ग्रुप नंबर वन का मेटल है मतलब कौन सी एल्कली मेटल क्योंकि ग्रुप नंबर वन के मेटल को आप क्या बोलते हैं एल्कली मेटल बोलते हैं ठीक है छारिय धातु तो कौन सी छारिय धातु है जिसके जो काम आती है अटोमिक क्लोक बनाने में परमाणु घड़ी बनाने में तो कौन सी काम आएगी सीजियम सी एस कहाँ आता है

वो हम गाड़ियों में डालते हैं क्यों डालते हैं सुना होगा ना हमारी गाड़ियों में लेड होता है इनफैक्ट मैं बताऊं आपकी गाड़ी में लेड और कार्बन की मात्रा के आधार पर ही आपको गाड़ियों में पॉल्यूशन कार्ड मिलता है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है ना गाड़ी का पॉल्यूशन करवाया है कि नहीं करवाया नहीं करवाया तो चलान कट जाएगा ठीक है तो आपका गाड़ी में किसकी मात्रा देख ही आपको गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाता है तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट दिया जाता है लेड प्लस कार्बन की मात्रा के आधार पर पॉइंट नंबर तो यही हो गया पॉइंट नंबर टू ये है कि क्यों डालते हैं गाड़ियों में क्या करता है ये एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है ये एक अपस्फोटक होता है अब क्या होता है एक होता है नोकिंग अगर आप घटिया फ्यूल यूज करोगे कंप्लीट तरीके से आपके फ्यूल का कंबस्टन नहीं हो पाएगा तो गाड़ियों के इंजन से एक आवाज खट 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 की आवाज आने लग जाती है उसी आवाज को आप नॉकिंग बोलते हैं फिर उसी नॉकिंग को खत्म करने के लिए आप टी ई एल डलवाते हैं टी ई एल या इसकी जगह तो ऐसे कंपाउंड जो गाड़ी की नॉकिंग को खत्म कर देते हैं मतलब जो आवाज आई अरे खराब फ्यूल का मतलब है जिसका प्रॉपर कम्बस्टन नहीं हो पाता है है ना उसके अंदर आपकी गाड़ी की अंदर आपके गाड़ी के इंजन से खट 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 की आवाज आने लग जाती है जिसे नॉकिंग कहा जाता है उसी नॉकिंग को खत्म करने के लिए आप जो कंपाउंड यूज लेते हैं उनको एंटी नॉकिंग कंपाउंड बोलते हैं जैसे एग्जाम्पल बेटा सी सी एल फोर अलग होता है प्रवीण सी सी एल फोर अलग होता है वो बेटा गाड़ी में जो आपका क्या क्या कहते हैं जो स्टेरिंग होती है उसके बगल में जो बोटल होती है उसके में होता है वो अलग चीज होती है सीसीएल फोर वाला ठीक है तो यहाँ पर है जो नॉकिंग को खत्म कर दें वो एंटी नॉकिंग कंपाउंड होते हैं एक तो टी एल यूज होता है और एक दूसरा और लिखो अगर कभी ऑप्शन में होना बीटीएक्स बी टी एक्स इसके फुल फॉर्म होती है बेंजीन बेंजीन टोल्यून टोल्यून जाइलिन ये भी काम में आता है ये भी काम में आता है लेकिन जनरली लेड वाले ही काम में लेते हैं और अगर आपकी गाड़ी से लेड ज्यादा एमिट हो रहा है तो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं पॉल्यूशन में लेड है तो उस लेड से आपकी आंखों में इरिटेशन हो सकती है आंखों में झंझनाट हो सकती है जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में तो जनरली रहती है ऐसी चीज तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गाड़ियों के पॉल्यूशन में कौन सी मेटल निकलती है जिससे आपकी आंखों में इरीटेशन होती है तो आई इरीटेशन आंखों के अंदर जो झंझनाट होती है वो

तो एंटीनोकिंग कंपाउंड की तरीके से इसको काम में लिया था नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल हैविंग मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वॉलेटाइल मटेरियल आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा एक कॉल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत सारे आंसर गलत करेंगे इनमें से कौन सा एक कॉल है कौन सा एक कोयला है जिसके अंदर सबसे कम वाष्पशील पदार्थ युक्त तो होता है कौन से कोयले में सबसे कम वाष्पशील पदार्थ है बेटा जिस कोयले के अंदर जितना ज्यादा कार्बन और जितना कम वाटर कंटेंट है वो उतना तो ही ज्यादा अच्छा कोयला है अब आप आंसर कर देंगे जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा जिस कोयले में एक बार फिर सुन लो जिस कोयले में जितना ज्यादा कार्बन है और जितना कम वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं जितना कम एच है वो उतना ही ज्यादा अच्छा कोयला है अभिषेक आपका आंसर गलत हो गया देखो कोयले में अगर हम एंथ्रासाइट की बात करते हैं तो एंथ्रासाइट वो कोयला है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज तो ज्यादा है मैंने इंक्रीज का का सिंबल लगाया इसमें कार्बन परसेंटेज तो ज्यादा है लेकिन एच टू ओ वोलेटाइल सब्सटेंसिस क्या है इसके अंदर कम है इसीलिए हम एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा कोयला मानते हैं जबकि कोयला पीट पीट सबसे खराब क्वालिटी वाला कोयला होता है क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज तो क्या होता है कम लेकिन H2O का परसेंटेज क्या होता है ज्यादा तो याद रखिएगा कोयला वही अच्छा है कोयला वही अच्छा है जिस कोयले के अंदर H2O या फिर वोलेटाइल क्वान वोलेटाइल सब्सटेंसेस की क्वांटिटी कम है और कार्बन की ज़्यादा है और सबसे ज्यादा कार्बन एंथ्रासाइट में होता है अप्रोक्स 85 से अबो ही होता है 85 88 परसेंटेज इसमें होता है और 60 से बिलो होता है पीट में तो पीट सबसे खराब क्वालिटी का या न्यूनतम क्वालिटी का सबसे कम गुणवत्ता वाला कोयला है जबकि एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी वाला कोयला है और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या बनता है ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सुपर कूल्ड लिक्विड किस को हम अति स्थितित द्रव कहते हैं जब आप कांच की डेफिनेशन लिखते हो ना कांच ग्लास ग्लास तो ग्लास क्या होता है ग्लास एक सुपर कूल्ड लिक्विड है किसका सिलिकेट्स का सिलिकेट्स का सिलिकेट कांच की परिभाषा क्या बनती है कि यह है सिलिकेट का अतिशीतित शीतित वह होता है इट इज एन सुपर कोल्ड लिक्विड ऑफ सिलिकेट्स अब सुपर कोल्ड लिक्विड क्या होता है देखो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना जब किसी सॉलिड की बात करते हैं जब है पानी है एक्चुअली मैं ठंडा पानी पी लिया सुनिएगा जब हम कांच की बात करते हैं जब हम ग्लास की बात करते हैं तो जो कांच होता है वो क्या होता है सुपर कूल्ड लिक्विड होता है और किसका सिलिकेट्स का सिलिकेट का सुपर कूल्ड लिक्विड शीतित दरवा होता है कांच किसका सिलिकेट्स का और जब हम बात करते हैं किसी भी सोलिड स्ट्रक्चर के बारे में तो सोलिड स्ट्रक्चर की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है जो आंतरिक संरचना होती है वो फिक्स होती है लेकिन जब हम किसी लिक्विड की बात करते हैं कोई तरल पदार्थ की बात करते हैं तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर फिक्स फिक्स नहीं उसका इंटरनल स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है लेकिन कांच दिखने में सॉलिड है लेकिन कांच क्या होता है आप बताओगे जो ग्लास होता है ना ग्लास एक लिक्विड है और किसका लिक्विड सिलिकेट्स का लिक्विड है और लिक्विड क्या है क्योंकि कांच का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना वो फिक्स नहीं होता है वो फिक्स नहीं होता है इसलिए हम कांच को बोलते हैं कूल्ड लिक्विड ऑफ सिलिकेट्स तो इन चारों में से ग्लास को कहा जाता है कूल्ड लिक्विड कांच दिखने में तो सॉलिड है लेकिन लेकिन कांच का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना वो फिक्स नहीं है इसलिए यहां पर कांच का को जब बनाते कभी देखा कैसे बनता पहले बहुत गर्म किया जाता है टुकड़ों को फिर एकदम से ठंडा किया जाता है तो ये बातें आप याद रखेंगे यहां पर कांच का इंटरनल स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है इसलिए लिक्विड स्टेट में इसको लिक्विड माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन विच इज रिलेटेड टू पेट्रोलियम 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 की रिफाइनिंग करके ही हम क्या बनाते हैं पेट्रोल डीजल बनाते हैं तो पेट्रोलियम के अंदर जो मेन हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा होता है या मैं बोलूं पेट्रोल के अंदर मेन कंपोनेंट कौन सा होता है तो पेट्रोल के अंदर होता है सी आठ एच एटीन क्या बोलते हैं इसको आठ कार्बन अठारह हाइड्रोजन को ऑक्टेन कहा जाता है एंड ऑक्टेन इज द मेन कॉम्पोनेंट फॉर पेट्रोलियम या पेट्रोल और इसी ऑक्टेन संख्या के आधार पर हम ऑक्टेन नंबर के आधार पर पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करते हैं ऑक्टेन संख्या के आधार पर हम पेट्रोल की मैम इलेवन का की ए था क्या क्या इलेवन का आंसर ए था क्या एक सेकेंड अभी बताती हूँ रुको तो पेट्रोलियम का मेन सब्सटेंस क्या है आप बताओगे C8H18 एट एच एटीन आठ कार्बन अठारह हाइड्रोजन क्या होता है एक हाइड्रोकार्बन भाई हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं जहां पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ प्रोपेन ब्यूटेन ऑक्टेन ऐसे, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन है तो यहां पर कौन सा हाइड्रोकार्बन जो पेट्रोल बनाने में मेन कॉम्पोनेंट माना जाता है वो कौन सा होता है ऑक्टेन ऑक्टेन एक बच्चे ने कहा ग्यारहवें का आंसर ए है क्या मैंने गलत बता दिया क्या अरे मैं मारूंगी जिसने गलत आंसर बताया सुन मैंने सुना बेटा मैंने ये कहा था कि कोयला वही अच्छा जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज ज्यादा और एच टू ओ या फिर वोलेटाइल मटेरियल का परसेंटेज कम तो आपसे क्वेश्चन सही तो पूछा है कौन सा कोयला मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वोलेटाइल मटेरियल तुम इस क्वेश्चन को ऐसे मत पढ़ लेना कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन तब तो पीट आंसर होगा लेकिन वोलेटाइल मटेरियल का मतलब है एच टू वगैरह है ना तब आपका आंसर सी ही होगा जिसने मुझे ए कहा वो खुद गलत है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं उसे क्वेश्चन समझ में नहीं आया हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा मेन हाइड्रोकार्बन ऑक्टेन होता है कहां पर पेट्रोल बनाने के लिए और पेट्रोल की हम जो क्वालिटी है वो हम किस में चेक करते हैं है, है. है. है? जो नाभिकीय रिएक्टर है उसकी खोज किसने की थी इसका आंसर तो आप देंगे मुझे जल्दी से आंसर दो इन चारों के बारे में पता होना चाहिए किसने किसकी खोज की थी हाँ जी जल्दी बताइए मैम प्लीज डेली बायो केमिस्ट्री दोनों करवाइए दोनों नहीं करवा पाऊंगी बट एक दिन में एक ही होगी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है इलेवन हाँ, का आंसर सी ही होगा कोई ए कर रहा है तो उसे क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है मैंने समझा दिया वीडियो को वापस देख लेना डिस्कवर्ड न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर रिएक्टर जहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं कौन कौन सी न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन तो उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी वो कौन से साइंटिस्ट हैं विजय कुमार आपका आंसर गलत है आपका आंसर गलत है तो न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन है आपसे ये पूछा है तो न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज करने वाले साइंटिस्ट तो कौन से हैं जल्दी बताओ क्या आंसर करोगे ए बी सी डी ए कर रहा है ए वाला तो बयाद गलत है हम्म अर्नी को फॉर्मिंग्स डी आंसर सही होगा ए नहीं साई होगा आंसर ए तो रदरफोर्ड है रदरफोर्ड को हम क्या मानते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर मानते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर मानेंगे या आपसे पूछे न्यूक्लियस की खोज किसने की थी नाभिक की खोज किसने की थी तब आप रदरफोर्ड बोलेंगे या वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया था तब आपका रदरफोर्ड होगा या पूछे अल्फा बीटा गामा रेज के एमिशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था देन आपका आंसर रदरफोर्ड होगा तुम लोग पता नहीं क्या हो गया तुम लोग क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहे हो ए बी ए बी ए बी आंसर दिए जा रहे हो न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज किसने की थी पूछा है न्यूक्लियर रिएक्टर समझते हो जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन करवाया जाता है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन करवाया जाता है तो रदरफोर्ड कहाँ से आ गए उसके अंदर रदरफोर्ड का नाम तो कभी नहीं पढ़ा आपने तो आप बताएंगे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी नाभिक की खोज की थी अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल के एमिसन की बात बताई थी उसके बाद न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था वो गोल्ड फॉइल वाला याद है तुम लोगों को गोल्ड का फॉइल रखा था इधर से अल्फा पार्टिकल की बमार्डमेंट करवाई थी कुछ थे जो ऊपर चले गए कुछ थे जो नीचे चले गए कुछ डायरेक्ट आ गए वापस वो सब ठीक है इसके बाद रोबर्ट ओपेनियर ने क्या किया था रोबर्ट ओपेनियर ने एटम बॉम्ब की खोज की थी एटम बम अगर परमाणु बम पूछे तब आपका आंसर ये होगा ठीक है लेकिन आपसे क्या पूछा न्यूक्लियर रिएक्टर एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन बम जो बहुत खतरनाक होता है है ना हाइड्रोजन बम लेकिन आर्नी को फर्मी ने सबसे पहले किसकी न्यूक्लियर रिएक्टर की खोज की थी कब 1942 में एक बार ईयर कंफर्म कर लेना मेरे हिसाब से यही है शायद मुझे थोड़े से ईयर याद नहीं रहते हैं एक बार आप कंफर्म कर लेना 1942 ही में किया होगा ठीक है तो क्वेश्चन नंबर डी होगा इसका आंसर डी होगा चलिए एक बार फिर रिपीट करूं अपने कॉपी में नोट्स बना लेना कैसे कैसे कि अगर हम बात करते हैं रदरफोर्ड ने क्या किया था तो रदरफोर्ड ने नाभिक की कि खोज की थी गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट जिसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं अल्फा, बीटा, गामा रेस के, के एमिशन के बारे में बताया था और

विखंडन नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पर और कौन सी रिएक्शन चेन चेन कंट्रोल्ड रिएक्शन किस पे आधारित है चेन चेन कंट्रोल्ड कंट्रोल्ड रिएक्शन रिएक्शन का मतलब है नियंत्रित चेन अभिक्रियाएं नियंत्रित चेन अभिक्रियाएं पर यह आधारित है और अर्निको फॉमी ने इसकी खोज की थी नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 द स्प्लिटिंग ऑफ टेक्स प्लेस इन एटम बम जब एटम बम बनता है तो किसका विखंडन होता है एटम बम किस एटम बम में किसका विखंडन होता है हाँ जी जल्दी बताइए एटम बम में किसका विखंडन होता है देखो जब हम किसी एटम की बात करते हैं ना जब किसी परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु में तीन चीजें होती हैं आप तो सिर्फ यहाँ पर दो चीज़ों की बात करना दो चीज़ों की बात करना ये न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक और बाहर जो आपके ऑर्बिट्स होते हैं वहां होते हैं इलेक्ट्रॉन तो जब किसी एटम का इलेक्ट्रॉन भाग लेता है तो वहां पर जो रिएक्शंस होती हैं या इलेक्ट्रॉन किस रिएक्शन में भाग लेता है जैसे ऑक्सीडेशन जैसे रिडक्शन जैसे रिडोक्स इन सब अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है लेकिन जब कभी हम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं ना न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब होता है नाभिकीय अभिक्रियाएं, जैसे फीजन मतलब विखंडन जैसे फ्यूजन मतलब सल्लेन, तो इन अभिक्रियाओं में पूरा का पूरा किसी भी एटम का न्यूक्लियस भाग लेता है तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी भी परमाणु का नाभिक भाग में, भाग लेता है ये भाग लेता है और इसी न्यूक्लियस का जो एटोमिक मास है वो डिक्रीज होकर कुछ एनर्जी या कुछ रेज की फॉर्म में वो एमिट हो जाता है तो याद इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडोक्स इन सब अभिक्रियाओं में लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की नाभिकीय अभिक्रियाओं की तो वहां पर न्यूक्लियस भाग लेता है और यही न्यूक्लियस टूटता है किसी भी आट, किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस उसका मास टूटेगा तब उससे एनर्जी होती है तो वो एनर्जी काम में लेते हैं या आप में किसी भी का है। वो अपने आप को तोड़ता रहता है अपने आप टूटता रहता है और उससे एनर्जी एमिट होती रहती है तो इस प्रकार की रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएशन कहलाती है जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी बताया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो आप क्या बताएंगे बेटा हाइड्रोजन एडवर्ड टेलर ने बनाया था हाइड्रोजन बम, जबकि एटम बम ये रहे आपके रॉबर्ट ऑपेनियर ऑपेनिमियर या ऑटोहोन का भी नाम आता है यहां पर वो साथ में थे ऑटोहोन का भी नाम आता है तो उन्होंने बनाया था एटम बम परमाणु बम एटम बम, और अगर आपसे पूछे अल्फर्ड नोबल ने क्या किया था कोई बता सकता है मुझे अल्फर्ड अल्फर्ड नोबल नोबल ने, ने डायनामाइट की खोज की थी है ना डायनामाइट की खोज की थी बता देंगे एडवर्ड टेलर ने क्या किया था आप बताएंगे एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बॉम्ब बनाया था हाइड्रोजन बॉम्ब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाँ डायनामाइट की खोज किसने की थी एल्फोर्ड नोबेल ने इसलिए इनको आ, इसको डायनामाइट या टी को नोबल ऑयल भी कहा जाता है डायनामाइट या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट या ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की खोज किसने की तो एल्फोर्ड नोबेल ने तो हाइड्रोजन बम किसने बताया, बनाया बच्चों बी ऑप्शन सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज यूज टू मेक स्मोक बोम्ब जो स्मोक बोम्ब होते हैं उसको बनाने में कौन काम में आता है मूवीज में बनाते हैं सॉरी <coughs> <coughs> आपने देखा होगा कि जैसे जैसे, जैसे मूवीज में दिखाते ना एक हीरो की एंट्री हो रही होती है पीछे से बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा होता है जैसे हीरो लड़के आता है कहीं ये दिखाते नहीं सलमान खान की मूवी में रेस वेस्ट मूवी में दिखाया आपने ठीक है तो आप याद करेंगे यहां पर कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्मोक बॉम्ब बनाने में कौन काम आता है कौन काम आएगा ये किसका बॉमला है पी व्हाइट फोस्फोरस सफेद फॉस्फोरस व्हाइट फोस्फोरस काम में आता है कहाँ पर स्मोक बॉम्ब बनाने में जबकि हम बात करते हैं रेड फॉस्फोरस की लाल फॉस्फोरस मैचस्टिक बनाने में मतलब माचिस का बॉक्स जो होता है उसके ऊपर जो लाल लाल लगा हुआ था उसको बनाने में लाल फॉस्फोरस काम में आता है जबकि जो स्मोक बॉम्ब होते हैं उनको बनाने में सफेद फॉस्फोरस CO2 नहीं होगा सीओ गलत हो जाएगा आंसर <coughs> एक लिख रहा है पीओ थ्री पीओ थ्री तो चीज ही अलग होती है ठीक है तो आप याद रखेंगे पोटेशियम नहीं है एक कर का मतलब पोटेशियम पागल आदमी पोटेशियम का सिंबल के होता है फोस्फोरस का सिंबल पी होता है नहीं सुना पबजी पबजी गेम में देखे होंगे ना स्मोक बॉम्ब पबजी में जिसको बैन कर दिया तो सफेद फॉस्फोरस काम का, का, कहाँ आता है स्मोक बॉम्ब बनाने में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 विच कैन बी मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इंडिया में सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सोर्स क्या है तो इंडिया में क्या था अभी तो बताया था इंडिया में किसका कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मिलता है भर भर के अपरंपार मात्रा में थोरियम मिलता है इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है थोरियम टी एच अभी तो बताया कि केरला और उड़ीसा के तटों पर जो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है थोरियम तो हमारे पास किसके भंडार है थोरियम के तो सबसे वो बात अलग है सबसे ज्यादा एनर्जी यूरेनियम दो देगा लेकिन जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हम क्या करेंगे ऑप्शन नहीं है तो हम किससे काम चलाएंगे थोरियम तो थोरियम हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स है क्या बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तो एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया में किस आ, कौन सा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के भंडार हैं तो थोरियम के हैं और थोरियम का और अभी बताया था मोनाजाइट मोनाजाइट मजा आ रहा है तुम लोगों को एक कह रहा है मैम इतनी स्पीड में पढ़ाओगे तो कैसे समझ में आएगा तो क्या कर सकते हैं आप नहीं समझ में आए हाँ झारखंड में भी है जादूगिरा वगैरह जगह पे मोनाजाइट मिलता है लेकिन जो आपसे पूछे कि रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कहाँ पर हो रहा है तो केरला और उड़ीसा के तटों पर केरला और उड़ीसा के तटों पर मजा आ रहा है तुम लोगों को ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रही हो रही तो भी कुछ नहीं कर सकते आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनिट इज यूज टू कैलकुलेट रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है रेडियो एक्टिविटी क्या होता है रेडियो एक्टिविटी जानते हैं क्या होता है रेडियो धर्मिता की प्रक्रिया क्या है इस प्रकृति में कुछ ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं इस प्रकृति में जिन एलिमेंट्स का न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है और वो स्टेबल होने के लिए अपने आप स्पॉन्टीन अपने आप होते रहते हैं और उनके से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं इस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया था जो एलिमेंट होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं तो आपसे पूछा है कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या है रेडियो एक्टिविटी यूनिट क्यूरी भी होती है रदर फोर्ड भी होती है ऑल ऑफ द चारों तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं यहां पर आंसर सही होगा ऑल क्यों क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो नाम है ना वो मैडम क्यूरी द्वारा दिया गया जबकि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी बैक्यूरल ने लेकिन आगे चलकर अदर फोर्ड ने भी कुछ बातें बताई थी रेडियो एक्टिविटी के बारे में वो अल्फा बीटा गामा रेस के बारे में अभी तो बताया थोड़ी देर पहले तो इन्होंने भी काम किया इन्होंने भी काम किया इन्होंने भी काम किया तो तीनों को बराबर क्रेडिट मिलना चाहिए है ना लेकिन ये लड़की थी तो लड़की को ज्यादा मिल गया इसीलिए इनको मैडम क्यूरी का नाम और कहाँ सुना है हमने रेडियम की खोज के लिए जब मैडम क्यूरी की बात आए ना तो रेडियम की खोज करने वाली मैडम क्यूरी थी और पोलोनियम की खोज करने वाले मैडम क्यूरी थी और मैडम क्यूरी वॉज फर्स्ट फीमेल जिनको एक बारी में दो ब्रांच में नोबल प्राइज मिला था केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में ठीक है तो याद रखिएगा मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की पोलोनियम की खोज की बैक्यूरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की और मैडम क्यूरी ने नाम रखा रेडियो एक्टिविटी का हालांकि सुनने में बहुत अजीब सा है कि सारा एक्सपेरिमेंट सारी मेहनत इन्होंने की लेकिन काम नाम इन्होंने नाम इनका आ गया रदरफोर्ड ने तो अल्फा बीटा गामा रेज के एमिशन के बारे में बताया था इसलिए यहाँ पर तीनों की तीनों यूनिट हैं जबकि एक क्वेश्चन आता है रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं अगर क्वेश्चन आए रेडियो धर्मिता की प्रक्रिया को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तब आप बताओगे जीएमसी गाइगर सी काउंटर जीएमसी कि कितना अल्फा निकले होंगे कितने बीटा निकले होंगे कितना न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ होगा इन सबको मेजर करते हैं हम किससे किससे जीएमसी गाइगर मुलर काउंटर इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि तीनों ही होती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट डिस्कवर्ड बाय डायनामाइट जिसको क्या कहते हैं जिसको क्या कहते हैं डायनामाइट को क्या कहते हैं हम टीएनजी टी एन जी टी एन जी की खोज किसने की थी तो टी एन जी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन ग्लिसरीन ठीक है तो ये हो गया तो डायनामाइट की खोज करता कौन है तो ये तो हो नहीं सकता इन्होंने तो परमाणु बम बनाया था इन्होंने हाइड्रोजन बम बनाया था और एल्फोर्ड नोबेल एल्फोर्ड नोबेल ने खोज की थी किसकी डायनामाइट या टीएनजी की तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर जबकि रोजर बैंकन ने किसकी खोज की थी गन पाउडर बारूद गन के अंदर बारूद भरा जाता है किस किसका बारूद होता है चारकोल सर्फल पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर में क्या क्या होता है के थ्री पोटेशियम नाइट्रेट फॉस्फोरस सल्फर प्लस चारकोल सल्फर हो गया ना फॉस्फोर दो सल्फर चारकोल प्लस पोटेशियम नाइट्रेट तो गन पाउडर की खोज रोजेन बैंकन ने अल्फर्ड नोबेल ने डायनामाइट या टीएनजी की खोज की एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम इन्होंने एटम बम हो गया क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन रिलीफ ऑइंटमेंट रिलेटेड टू जब कभी आपको दर्द होता है तो आप बाम लगाते हैं है? वो मुन्नी बदनाम हुई कौन से गाने में आते झंडू बाम हो गई बाम लगाते हैं लगाते हैं ना बाम जैसे आयोडेक्स तो आयोडेक्स आपके दर्द निवारक एक जेल है एक ऑइंटमेंट है तो इसको बनाने में क्या काम आता है कौन सी ऑइंटमेंट का मतलब केमिकल कौन सा काम में आता है जैसे बाम बाम है है अरे लगाते होंगे ना मैं तो रोज लगाती मेरी कमर में दर्द रहता जनरली हालांकि आयोडक्स बाम को सूंघने से नशा भी होता है बहुत सारे लोग आयोडेक्स हो गया विम, वो। कौन सा आता है ये मूव वो विन की स्मेल लेते रहते हैं एक बार आई आई टी डेली में मिले थे कुछ बच्चे जो आयोडेक्स बाम को उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर लगा के खा रहे थे है ना मतलब इससे नशा वसा भी होता है तो आप बताएंगे यहां पर कि आयोडेक्स वगैरह बाम वगैरह जो होता है झंडू बाम वगैरह जो आते हैं उनके अंदर आता है कौनसा? लेकिन लास्ट क्लास में मैंने <coughs> सेलिसेलिक एसिड के बारे में बात करी थी <coughs> सेलिस एसिड किसमें होता है डिस्प्रिन एस्प्रिन वगैरह में होता है यहां पर मेथाइल सेलिसाइट ये बाम वगैरह बनाने में काम में आता है तो इनको पेन रिलीव रिलीव रिलीफ या रिलीव देने वाली ऑइंटमेंट कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ऑल्सो नोन एज नोबल ऑयल नोबेल तेल किसको कहा जाता है बेटा ये जो टी है ना इसी टी को हम डायनामाइट बोलते हैं इसी को हम डायनामाइट बोलते हैं और इसकी खोज की थी एडवर्ड नोबेल ने एडवर्ड नोबेल ने इसलिए इसको नोबेल ऑयल भी कहा जाता है टी एन की फुल फॉर्म तो पता होगी अरे <coughs> यार क्या हो गया आज अल्फर्ड नोबेल ने एडवर्ड नहीं यार एल्फर्ड होगा एल्फर्ड एडवर्ड नहीं मेरे को एडवर्ड जैनर याद रह गया वो चेचक के रोग वाला चेचक का वैक्सीन बनाने वाला ये है एल्फर्ड एडवर्ड नहीं है एल्फर्ड एल्फर्ड नोबेल ने किसकी खोज की थी टीएनजी की टीएनजी या डायनामाइट इसीलिए इसका नाम टीएनजी को या डायनामाइट को नोबेल ऑयल भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्वेंटी थ्री विच इज़ नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर इन चारों में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक नहीं है लिटमस पेपर लिटमस पेपर कितनी बार बताऊं कि ये वनस्पति होती है एक प्लांट होता है और जो किस कलर का होता है जो इस कलर का होता है और ये एल्गी और फंजाई शेवाल और कवक का एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है तो ये तो प्रकृति में पाया जाता है तो प्राकृतिक हो गया रेड कैविज गोभी अब गोभी आप बनाते थोड़ी है घर पे तो गोभी भी आपकी एक इन, गोभी क्या करता है देखो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है ऐसी डाइज ऐसी डाइज जो डाइज एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर देंगी या बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर देंगी उनको हम इंडिकेटर के नाम से जानते हैं जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर है ना देखा होगा आपने लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में अलग बेसिक सॉल्यूशन में अलग कलर देते हैं ऐसे ही जो रेड कैबेज लाल गोभी हमने तो देखी नहीं आपने देखी हो तो पता नहीं तो लाल गोभी एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर देगी बेसिक में अलग देगी हल्दी हल्दी भी नेचर में पाई जाती है हल्दी भी प्लांट से मिलती है तो आपने देखा होगा हल्दी हल्दी के ऊपर कोई एसिड डालते हैं तो वो कोई कलर नहीं देती है लेकिन जैसे ही हल्दी को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो येलो से लाल हो जाती है तो उसने इंडिकेट कर दिया ना हल्दी ने कि मेरे ऊपर बेसिक सॉल्यूशन डाला है तो हल्दी लाल गोभी लिटमस पेपर तीनों नेचर में होते हैं तो तीनों क्या है नेचुरल हैं जबकि फिनोक्लीन हो गया एंड मेथाइल ऑरेंज हो गया मेथाइल ऑरेंज, फिनोक्न ये सब सिंथेटिक डाइज होती हैं ये सब आर्टिफिशियल डाई होती हैं ये बनाई जाती हैं लैब में ये क्या होती हैं ये बनाई जाती हैं तो लिटमस पेपर लाल गोभी टर्मरिक तीनों तो नेचुरल हैं जबकि फिनोक्न हो गया मेथाइल ऑरेंज हो गया ये सब लैब में बनाई जाती हैं तो आपसे पूछा कौन सा एक नेचुरल नहीं है तो फिनोक्न नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 अदर नेम ऑफ आरडीएक्स हाँ जी आरडीएक्स का और नाम क्या है आरडीएक्स सुनने में कितना गंदा लग रहा है आरडीएक्स बॉम्ब जैसे आपने वहां पर वो अपने पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसपे उसमें के केमिकल यूज में लिया गया था है ना तो अच्छा चौबीस पढ़ना है ना पहले तो तो आरडीएक्स का और क्या नाम है आरडीएक्स के दो तीन नाम होते हैं आरडीएक्स को ही साइक्लोनाइट कहा जाता है आरडीएक्स को ही हेक्सोजन कहा जाता है हिंदी में हैक्सो लिखा जाता है हैक्सोजन और आर को ही टी फोर एक्चुअली ना आर को ना अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम दिया जाता है जैसे जर्मनी में अलग देंगे ऑस्ट्रेलिया में अलग देंगे इंडिया में आर डी ही बोलते हैं इसलिए आपको मैंने नई चीज़ें बताती हैं तो आर का ही एक दूसरा नाम होता है कौन सा साइक्लोनाइट साइक्लोनाइट ठीक है तो RDX को भी 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 बोलते 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 हैं, T4, T4 भी बोलते हैं, हैं। क्या होता है? एन ए एन ओ थ्री ये एक सोडियम का और है सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट का दूसरा नाम होता है चिले सोल्ट पीटर और जब बात करते हैं नाइट्र या नाइट्रेट या चिली सोल्ट पीटर तो ये होता है के पोटेशियम नाइट्रेट जिनको कहाँ काम लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट कहाँ काम आता है पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर में काम में आता है ठीक है और पिक्रिक एसिड किसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड टी को हाँ जी टी का फुल फॉर्म क्या होता है पिक्रिक एसिड इज द अनदर नेम ऑफ टी एन पी ट्राई नाइट्रोफेनॉल बस एक और ट्राई नाइट्रोफेनॉल टी एन तो एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लेना है साइक्लोनाइट मतलब आरडीएक्स आरडीएक्स को चार नाम से जानते हैं अलग अलग कंट्री में जैसे हेक्सोजन टी फोर साइक्लोनाइट या आरडीएक्स और चिली सोल्ट पीटर एक सोडियम का और है सोडियम नाइट्रेट नाइट्रेट्री ठीक है जिसको सोरा सोरा हिंदी में सोरा बोलते हैं पंजाबी लोग तो सोरा का मतलब ससुर होता है पंजाबी में तो वो ससुर नहीं है यहाँ पे ये यह सोरा है पोटेशियम नाइट्रेट जो गर्म पाउडर में गर्म मारुद में, में भरा जाता है पिक्रिक एसिड किसका नाम होता है टीएनपी का ट्राई नाइट्रोफेनोल का बस हो गया यहाँ पर क्या पूछा था अदर नेम ऑफ आरडीएक्स ए ऑप्शन ठीक होगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है सब बच्चे ढंग से दे देंगे और आज की क्लास का लास्ट आंसर है हाउ टू ट्रीट वेल वाटर कुएं के अंदर पानी है कुआ है कुएं के अंदर पानी है तो उस पानी को बेटा एक कह रहे हैं मैं हजीरबाग से हूँ दस दिन बीत गए बुक नहीं आया बेटा दस दिन नहीं पंद्रह दिन लगेंगे किताब आने में चार पाँच दिन में आ जाएगा आपके पास हाँ जी <coughs> मैम कल आप गायब होगी कल मेरी क्लास वहाँ थी एप्लीकेशन पे थी सिर्फ यूट्यूब पे नहीं थी तो कुए के पानी को का शोधन किससे किया जाता है लाल दवा लाल दवा किसको बोलते हैं के आम फोर अरे उसको अरे लाल दवा किसको बोलते हैं के एम एन को के एम एन के क्रिस्टल्स आ जाते हैं कुएं कुएं में ठीक है तो इसको बोलते हैं पोटेशियम पर पोटेशियम परमैंगनेट पर मैंगनेट और ये कुएं में पानी वानी के जो शोधन के लिए काम में लिया जाता है लेकिन अगर आपसे पूछे स्विमिंग ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन काम में आता है और लाल दवा किसको बोलते हैं हम आप बताएंगे लाल दवा केमोनोफोर पोटेशियम पर मैंगनेट को लाल दवा बोलते हैं हम ठीक है पोटेशियम पर मैंगनेट को हम लाल दवा बोलते हैं चलिए तो ये आज की क्लास के इतने क्वेश्चन थे एक कह रहा है कि यहां पर हाँ पोटेशियम पर इसी को लाल दवा जैसे लाल दवा वगैरह बनते ना ऑइंटमेंट बनाने में काम में आता है वहां काम में आता है चलिए रीढ़ की हड्डी में दर्द क्यों होता है रीढ़ की हड्डी में बेटे डिपेंड करता है किस टाइप का दर्द है, दर्द है है आपको आपको कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम है किस टाइप का दर्द है वो तो आपको पता होना चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन खत्म हो गया अच्छा हाँ एक एक दो बातें बतानी है जल्दी से सुन लीजिए कि इस संडे को हमने रेलवे जोन के लिए या शिड्यूल्स रेल आपकी ना ट्रिक्स की क्लास होने वाली है सर बहुत अच्छी ट्रिक्स बताते हैं ऐसे कुछ कुछ चीजें होती हैं जो ट्रिक्स से ही याद करती हैं याद रहती हैं तो इस शनिवार इस इतवार को हाँ संडे को रात को आठ बजे आप लोग ना इस ट्रिक्स की क्लास में आना ना भूलें क्योंकि इस क्लास में ना यहां पर राज राजराना सर हैं ये आपको ना ट्रिक्स के बारे में बताएंगे जैसे रेलवे जोन को ट्रिक्स से कैसे याद कर सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं उनको कैसे याद कर सकते हैं या सीड्यूल्स को या डैम्स को जो बांध है इंडिया

ये एक ई e बुक है और इस ई e बुक को आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट टाइम्स पब्लिकेशन डॉट इन से और सिर्फ और सिर्फ इसका अमाउंट तीस रुपए है आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड हो जाएगी आप जाकर प्रिंट आउट ले आना उसका इसमें तीस प्रैक्टिस सेट है वही वाली है ना हाँ। ये प्रैक्टिस के सब हैं इसके अंदर सारे डाले हैं आप इसे परचेज कर सकते हैं इसके अलावा ये आपकी मेरी किताब है इसको आप परचेस करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं चलिए तो ये हो चुकी है आज की क्लास और सबसे फाइनली आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए ब्लड प्रेशर में बता दिया मैंने चलो तो अब हम चलते हैं आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं अगली क्लास में मिलेंगे थैंक यू वेरी मच गुड नाइट